बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाटलैंड में 2022 के चुनावी प्लान पर चर्चा होगी, ब्रिज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन होना है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, चर्चा सख्त हो रही है। देखिए किस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले चुनावी मंथन यहां पर चल रहा है। ब्रिज क्षेत्र और जाटलैंड में 2022 के चुनावी प्लान पर चर्चा, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन का असर भी यहां पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ब्रिज क्षेत्र यानी आगरा और मथुरा का जो इलाका है वहां पर भी वोटर्स को मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। और उसका सबसे सही तरीका यही है कि उनके बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मजबूत रहें, सरकार की बात, सरकार की योजनाएं सीधा जनता तक पहुंचा पाएं, और अगर कुछ भ्रम की स्थिति है तो उसे साफ कर पाएं। तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें एक प्लान बताया जा रहा होगा, एक रणनीति बताई जा रही होगी कि किस तरह से जाटलैंड में या फिर जो ब्रिज क्षेत्र है वहां पर अपनी जीत दर्ज की जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहां पर आरएलडी की भी अच्छी पकड़ है, राष्ट्रीय लोकदल की भी अच्छी पकड़ है, और इस वक्त जयंत चौधरी भी पूरी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी की पूरी बिसात बिछाना जरूरी होगा, और उस बिसात का जो सबसे अहम किरदार है वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, और इस बात को भारतीय पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जो संगठन है वो अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए इस तरह की बैठकें की जा रही हैं जिसमें छोटी छोटी जगहों पर जाकर, क्षेत्र पर जाकर, पूरे उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांटा गया है, और उसके बाद ये रणनीति तैयार की जा रही है, बूथ लेवल मार्किंग की जा रही है ताकि आने वाले समय में इन चुनौतियों से निपटा जा सके। देखिए सबसे खास बात बीजेपी की यही है कि वो हमेशा बूथ लेवल पर काम करती है, और ऐसे में किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो आम जनता के बीच जाते हैं, हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रणनीति बीजेपी की रही है। और ऐसे में आगरा में भी बीजेपी का चुनावी मंथन चल रहा है, तस्वीरें भी लगातार हालांकि हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन काफी अहम जेपी नड्डा का दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा, कल लखनऊ में, आज आगरा में, और ऐसे में जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं उनके साथ, और देखिए उनको भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से आप जाइए काम कीजिए। कल भी जेपी नड्डा स्पष्ट कह चुके हैं कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, भाजपा चुनाव लड़ेगी, लोगों को ये समझना होगा और उसी तरीके से काम करना होगा, उसी तरीके से रणनीति बनानी होगी। जब भी आप जा रहे हैं तो लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि लोगों के साथ बीजेपी जुड़ती है और यही खासियत बीजेपी की रही है। तो जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं आगरा में, और ये चुनावी प्लान की तैयारी कर रही है, लेकिन ये दोनों तरह से ये चलता है, जब कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं तो आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं तो कार्यकर्ताओं से भी राय ली जाती है, और ये जब उम्मीदवार चुनने की बारी आएगी तब भी कार्यकर्ताओं की सलाह पर, कार्यकर्ताओं के नाम पर, राय पर तीन नाम की लिस्ट होती है जो कि ऊपर आलाकमान में जाती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि दो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, एक तरफ जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ आगरा में बीजेपी का चुनावी मंथन, दूसरा साइकिल पर बैठेगा महान दल। तो ये देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ केशवदेव मौर्य हैं जो कि मौजूद हैं, और महान दल जिसके साथ गठबंधन किया था, केशवदेव मौर्य जो 2008 में बसपा छोड़कर आए थे, और कुशवाहा और मौर्य जो जातियां हैं वहां जिनकी लगभग 6% आबादी है उसमें महान दल की पकड़ मानी जाती। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।